Khazan.com की खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी 8 संस्थाओं में जारी है कोरोना की जांच। सबसे जल्द और तेज कोरोना की जांच करने में इंदौर शहर का MGM मेडिकल कॉलेज अव्वल आया है। 16 अप्रैल तक आए आंकड़ों पर नजर डाले तो अब तक MGM मेडिकल कॉलेज में 7,226 सैंपल जांच के लिए पहुंचे हैं, जिनमें से 3,921 की जांच हो चुकी है। दूसरे नंबर पर भोपाल एम्स है, जहां अब तक 3,719 सैंपल जांच के लिए पहुंचे हैं और 3,045 सैंपलों की जांच हो चुकी है। तीसरे नंबर पर भोपाल का ही गांधी मेडिकल कॉलेज है, जहां अब तक 2,431 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 2,080 सैंपल की जांच हो चुकी है। चौथे नंबर पर भोपाल का ही BMHRC है, जहां अब तक 3,550 सैंपल पहुंचे हैं, इनमें से 1,790 की जांच हो चुकी है। पांचवें नंबर पर ICMR जबलपुर है, यहां अब तक 1,426 सैंपल जांच के लिए पहुंचे हैं, जिनमें से 1,325 सैंपलों की जांच हुई है। छठे नंबर पर GRMC ग्वालियर है, जहां अब तक 1,032 सैंपल पहुंचे हैं, जिनमें से 690 की जांच हो चुकी है। सातवें नंबर पर ICAR भोपाल है, जहां 318 सैंपल पहुंचे हैं, जिनमें से 255 सैंपलों की जांच हो चुकी है। आठवें नंबर पर BMC सागर है, जहां 145 सैंपल पहुंचे हैं, जिनमें से 125 की जांच हो चुकी है। ऐसे में 8 संस्थाओं में MGM मेडिकल कॉलेज में दिन रात डी डॉक्टर ज्योति बिंदल, अन्य डॉक्टर व साइंटिस्ट लगातार तेजी से सैंपलों की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर बिंदल देर रात तक स्वयं कॉलेज में रहकर सुबह से फिर सक्रिय हो जाती है। उनके कॉलेज में बने रहने से स्टाफ भी शक्ति और आत्मविश्वास से काम करने लगा है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ghamasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.